Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. वो पहली बार था जब किसी गैर भारतीय को, वो भी पाकिस्तान के नागरिक को, भारत रत्न दिया गया। कौन था वो शख्स और क्यों उसे देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, आइए जानते हैं। देश की आजादी की लड़ाई में देश के हर प्रांत से कोई ना कोई नायक जरूर निकल के आया था। ऐसे ही एक नायक, एक हीरो, एक लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान और बच्चा खान भी पुकारा जाता था। 6 फुट 3 इंच के ये लंबे हट्टे कट्टे पठान असल में गांधी जी की तरह अहिंसावादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पहाड़ी इलाकों में बगावत छेड़ रखी थी। इसीलिए उन्हें सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। इनका जन्म 6 फरवरी 1890 को खैबर पख्तूनख्वा घाटी में एक बहुत ही प्रॉस्परस पठान परिवार में हुआ था। वहां के पठानों के विरोध के बावजूद इनके पिता ने इन्हें ब्रिटिश मिशनरी स्कूल से पढ़ाया। हाई स्कूल के आखिरी साल में ही इन्हें ब्रिटिश सरकार की एक स्पेशल रेजिमेंट में शामिल होने का ऑफर दिया गया, जो कि उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये सम्मान से ज्यादा अपमान की बात होगी। उनके अंदर का बागी यहीं से जाग चुका था। गफ्फार खान शुरू से ही पाश्तून समाज की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए वो एजुकेशन के जरिए लोगों को बाकी दुनिया से जोड़ना चाहते थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने होम टाउन में एक स्कूल खोला, मगर वो कुछ साल बाद ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के करीब 500 गांवों में जा जाकर लोगों को सोशली और पॉलिटिकली जागरूक करने की मुहिम चलाई। इसमें लड़कियों की पढ़ाई लिखाई एक अहम मुद्दा था। वो खैबर पख्तूनख्वा में और भी सामाजिक कार्य करना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने खुदाई खिदमतगार, मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड नाम की संस्था की स्थापना की। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं तुम्हें ऐसा हथियार दूंगा जिसका मुकाबला दुनिया की कोई पुलिस या आर्मी नहीं कर पाएगी। ये हथियार पैगंबर का है, जिसके बारे में आप सबको पता भी नहीं। ये हथियार है धैर्य और ईमानदारी का। पाश्तून के पठानों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना अपने आप में एक बड़ी बात थी। इस संगठन के लोग सामाजिक कार्यों के साथ साथ शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध करते थे, और देखते ही देखते करीब 1 लाख सदस्य खुदाई खिदमतगार में शामिल हो गए। ये सभी सदस्य लाल शर्ट पहना करते थे, इसीलिए इन्हें सुर्खपोश भी कहा जाता था। इन सुर्खपोशों ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। अंग्रेज बेबस थे। पिछले कुछ सालों में अपनी आइडियोलॉजी की वजह से बादशाह खान गांधी जी के करीब आ गए। उन्होंने गांधी जी के कहे पर नमक सत्याग्रह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सत्याग्रह के दौरान बादशाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में खुदाई खिदमतगार की एक टोली पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में इकट्ठी हुई। ये लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने निहत्थे अहिंसक खिदमतगारों पर गोलियां चलवा दी। इस नरसंहार में 200 से 250 लोग मारे गए। इसके बाद अंग्रेजों ने खुदाई खिदमतगार पर अपना शिकंजा और कस दिया। तब अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने के लिए खुदाई खिदमतगार कांग्रेस से जुड़ गई। बादशाह खान कई सालों तक कांग्रेस से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे, लेकिन 1931 में जब उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया गया, तो उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया, मैं एक खुदाई खिदमतगार हूं और लोगों की सेवा करना चाहता हूं, बस। 1937 में खुदाई खिदमतगार ने
कांग्रेस के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के असेंबली इलेक्शंस में जीत हासिल की और बादशाह खान के बड़े भाई खान अब्दुल जब्बार खान चीफ मिनिस्टर बने। बादशाह खान कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम्स के बीच प्रेम और सद्भावना की मिसाल थे। इसीलिए दंगों के वक्त वो गांधी जी की परछाई की तरह लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाते थे। लेकिन जब देश का पार्टीशन हुआ तो बादशाह खान के क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान में शामिल किया गया। बादशाह खान ये जानकर टूट गए। उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी से कहा, आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। और उनकी ये बात सही साबित हुई। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें हमेशा अपने लिए खतरा समझा। उन्हें 1948 में ही जेल में डाल दिया गया। खुदाई खिदमतगारों पर भी बहुत जुल्म किए गए। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें कई साल या तो नजरबंद रखा या जेल में रखा। गफ्फार खान पहले नॉन इंडियन थे जिन्हें 1987 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। यूं तो पार्टीशन के बाद गफ्फार खान पाकिस्तान के नागरिक बन गए थे, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई में उनका कितना बड़ा योगदान था।